अरे तुम वहां खड़े हो। ऐसे मुंह करते हो? हाँ, और मैं भी ऐसे मुंह करके खड़ा हूँ। पुअर सैड और डिलाइटेड, बीच का एवरेज कुछ नहीं है। हाँ मतलब खराब लगे तो खराब ही लगे और अच्छा लगे तो बहुत ही अच्छा लगे। तो यार फाइनली हम लोगों ने गाड़ी ले ली है, एंडेवर चाहिए थी, एंडेवर हमें मिल गई है और हमने इन भैया से उसे परचेज किया है। तो बाकी चीज़ें भैया आपको बताएंगे, हम लोग सब काफ़ी खुश हैं, भैया भी यहाँ बैठे हुए हैं, पेमेंट वेमेंट सब डन हो गया है, डील हो गई है, सब कुछ फाइनल है, पेपर्स भी मिल गए हैं, तो बाकी चीज़ें भैया बताएंगे आपको, ठीक है। तो गाड़ी हम लोगों ने ले ली है और बहुत अच्छी गाड़ी हमको मिली और बहुत अच्छी डील भी हमको गगन भैया ने दी। हाँ। मैं भैया से इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, भैया का नाम गगन भैया है और इनके बड़े भैया जो है विक्की भैया है। तो हमारी तो OLX पे बात हुई थी, तो विक्की भैया से बात हुई होती रही, फिर वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन थे तो उन्होंने कहा कि गगन भैया से बात कर लेते हैं, तो ऐसे करके हम लोगों की मुलाकात हुई और आज उनने गाड़ी दिखाई और गाड़ी हमको एकदम पसंद भी आ गई, बहुत ही जेन्युइन मतलब कंडीशन थी, बहुत ही अच्छा। तो आज हमारी डील जो है भगवान की कृपा से बढ़िया हो गई है और बढ़िया आ गया। क्यों होगा गगन भैया? अच्छा भैया, मैंने आपको शुरू से लेकर एक ही चीज कह रहा हूँ, आप हर चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, वो पेपर्स हो, आपका इंजन हो, मैकेनिकल वाइज हो, किसी भी चीज के लिए एक्सीडेंटल की पूरी जिम्मेवारी है, इंजन की पूरी जिम्मेवारी है, हर चीज की बिल्कुल गारंटी से आपको चीज दे रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए। आप ये भूल जाओ कि आप सेकेंड हैंड चीज लेके जा रहे हो, आप जहाँ पे बैठे ना भैया, जहाँ से आप दूर दूर तक सिर्फ नाम ही पूछे ना विक्की भैया का, वही तो बात। अब एक बार जैसे रिलेशन हो जाते हैं ना तो फिर हम आगे भी जब भी, अब तो मुझे नहीं लगता कि आने की जरूरत पड़ेगी, शायद फोन पे ही आप भेज देंगे। भैया मैं कह रहा हूँ ना कि आपने मेरे से भी थोड़ी देर पहले भी ये चीज पूछी थी, मैंने आपको खुद कहा था कि मैंने क्या कहना है वो आप छोड़ दो, जब आप चीज लेकर वहाँ पहुंच जाएंगे ना भोपाल, तब आप खुद ये चीज कहेंगे, जो मैं आपको भी कहने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो आपको खुद पता चल जाएगा कि चीज क्या आप लेके जा रहे हो, चाहे वो लुक वाइज हो, इंटीरियर हो, ये पहली बार, यस कमान, ये हमारे ड्राइवर भैया जा रहे हैं सामने वाली कार में। तो ये गाड़ी लेने से पहले हम इसी कार में घूम रहे थे, तो ड्राइवर भैया लकीली हमको भोपाल तक छोड़ने चलेंगे और भोपाल के बाद वो उनका कहीं गांव है बिहार में, वहां चले जाएंगे वो, तो उनको भी वहां जाना था और हमें भी ड्राइवर की ज़रूरत थी, तो वो बोले कि मैं ही ले जाऊँगा, तो बस उनके ही घर जा रहे हैं, वो अपनी कार वहां खड़ी करेंगे और बस फिर हम भोपाल की तरफ चल देंगे। कैसा लग रहा है तुमको? अरे बहुत शानदार लग रहा है यार, अब हुई बटवाजी। बटवाजी होगी। हाँ। सिटी से भी अच्छा फील है क्या इसका? अरे बहुत शानदार यार, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत ही अच्छा है, सिटी का इतना अच्छा है तो फिर इसका तो सिटी से अच्छा है। अरे क्या बात, मतलब ऐसा पावर सा फील हो रहा है हाथ में, इसकी 12 बजे में चढ़ा दूंगा वो सब। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। ये है हमारी गाड़ी और एक और मज़े की बात बताएं, ये है 2020 का मॉडल फोर्ड एंडेवर, सेम, तो एक वो हो गया और एक ये हो गया। चलो भैया की विदाई का वक्त आ गया है, अभी आपने इनका चेहरा अभी देखा नहीं, पूरी गाड़ी इन्हीं ने चलाई हमको। हाँ। जहाँ जहाँ अभी गाड़ी दिखाने ले गए, सकल देव यादव जी हैं ड्राइवर जी हमारे, तो ये ओला के ड्राइवर थे और ओला हमने बुक करी
और उसके बाद फिर हमने इनको पूरे दिन के लिए ही बुक कर लिया। हमने कहा चलो अब सब साथ में ही अपन देखेंगे गाड़ी भी और गाड़ी खरीदेंगे भी, आप हमें दिन भर घुमाओ। तो सकलदेव यादव जी जो है इनने बड़ा अच्छा किया, हमको सब जगह दिल्ली में सब जगह घुमाया और अंत में हमने गाड़ी ले ली। तो जिन जिन को भी जैसे मान लो दिल्ली कभी कोई आते हैं तो आप लोग आते हैं तो आपको यदि ड्राइवर की टैक्सी की जरूरत पड़ती है तो सकलदेव यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बिल्कुल अपने अपनेपन से अपना करते हैं काम, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं नीचे इधर शो कर दूंगा यहां पे, तो मिल जाएंगे, है ना। विश्वसनीय आदमी मिलना जरूरी है ना, जैसे मान लो कोई नए शहर में आता है वो तो जानते नहीं किसी को, लेकिन यदि अपने साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि थोड़ा विश्वसनीय हो तो बात फिर कुछ और ही हो जाती है ना। तो बस यही था और क्या। और पहले तो हमारे साथ जाने वाले थे पर भैया बोले कि चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोचे काहे के लिए, फिर इनका भी काम है कल, इनको भी टैक्सी चलानी है, अब हमारे साथ परेशान हो क्या मतलब, इसलिए तो तो धीरे 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 पहुंचेंगे। अब कल पहुंचे, परसों पहुंचे, नरसों पहुंचे, पहुंचेंगे, है ना। चलो भैया, अभी अपन लोग नोएडा पार कर रहे हैं ना, और टोटल 800 किलोमीटर। बारिश 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 चालू कर दो लाइट। वाह यार बहुत अंतर है। ओहो बिजली कड़की भाई। चाट पापड़ी से पापा की याद आती पापा है, पापा की याद आ गई तुम्हें, वो खाते हैं बहुत चाट पापड़ी। ये चीज बस मार्गरीटा खाएंगे आज हम। वाह 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 मजा आ गया। वो यार ये टाइल्स लगे हुए हैं ना, टाइल नहीं मार्बल, मार्बल है, ताजमहल हमें देखने मिल जाए इधर उधर से थोड़ा बहुत भी तो मजा आ जाएगा। मैं सोचा मैंने कहा शायद हमें हो जाएगा। चलो ठीक है वैसे आप ट्राई करना चाहते हो तो अपनी गाड़ी कहीं पार्किंग में लगा दो, चले जाओ पैदल घूमने के लिए, पर दिखाई कुछ नहीं देगा। चलिए अब बहुत दूर भी जाना है ना, भोपाल जाना है, भोपाल 700 किलोमीटर दूर है अभी, इसीलिए तो हम बहुत मुश्किल है वहाँ से अगर कुछ, ठीक है। ये कुछ गिर रहा है देखो, इसके यहाँ से काय का डब्बा है ये, तो इसको हम बता दें कि कुछ गिर रहा है, डिब्बा गिर रहा है, डिब्बा गिर रहा है। हाँ ब्रिजवासी होटल से हमने मंगाई है मस्त दाल तड़का और रोटी, क्योंकि ढाबे की दाल बहुत अच्छी होती है, तो वही हम ट्राई कर रहे हैं। मस्त गरम गरम रोटी और दाल तड़का देखो कितना शानदार लग रहा है। ढाबे की बात ही अलग होती है यार, इन सारी चीजों की बात ही अलग होती है, इसलिए मैं अलग बात करने बैठा हूँ। ये टूटी हुई रोटी भी है। वाह 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 मजा आ गया यार। ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि हमें लेन से ना वापस निकलना पड़ रहा है। एक तो इन लोगों ने कुछ लिख के नहीं रखा कि कहाँ पे जाओ कहाँ पे नहीं, ये सारी लेन बंद है, और कह रहे हैं अब कह रहे हैं कि एक नंबर पे जाओ, तो जब एक नंबर पे जाना है तो ये काई के लिए करके रखा है भाई। अब वही है कि अभी इतनी रात को कौन लड़े, है ना। इस पे भले ही रेड है तो हम इस पे नहीं गए, इस पे इवन वो ट्रक गया हुआ था और वो निकल भी गया, और हमको यहाँ से फिर वापस। कौन सी लेन बोला उसने? पहली लेन बोली है, वो जिसमें से गाड़ियाँ नहीं निकल रही। वो
ओला से और आ रहे हैं अपनी एंडेवर से। ये तो फाइनली दोस्तों हम लोग अपने घर आ गए हैं। अभी मम्मी को बताया नहीं है, मम्मी ने बालकनी से लकीली देखा भी नहीं। तो हम एटलीस्ट 810 से 820 किलोमीटर कर लिए ना, है ना? हम बता रहे हैं ना, एग्जैक्ट बता रहे हैं, ऐसी क्या बात, रुक जाओ। 783.7 कर लिया हमने, और इसी ने गाड़ी चलाई है रास्ते भर, और हमको 18 घंटे लग गए ना, जिसमें 3-4 घंटे तो हम बीच में सो गए थे, सुबह सुबह में नींद आ रही थी। पर फाइनली हम पहुंच गए, ऊपर जाएंगे तो आंखें बंद हो गई थी मेरी, तो मैंने कहा रुक जाओ तो कहीं भिड़ जाते अपन, नहीं तो फिर मम्मी को कुछ बहाने से ऐसे नीचे लेके आएंगे और सरप्राइज कर देंगे, गाड़ी लेके आ गए हैं, ये मजा आ जाएगा। चलो टाटा। मम्मी को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी गाड़ी खड़ी हो गई है, आके पता ही नहीं चल रहा कौन सी गाड़ी खड़ी, किसकी गाड़ी खड़ी है। ये बेटर तो ये है। हाँ ना। अरे अरे रोने लगी है तो रो। अरे रोने की क्या बात है यार, इसमें रोना क्यों यार। अरे अरे यार बेटा, अरे लाइट की बहुत कमी महसूस हो रही है। अरे 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 बंद कर बेटा, बंद कर बेटा कह रही। पिली तो कैसा फील कर रही है मम्मी तुम? हाँ घूम रहा है वो, तो घूम रहा है वो, तो उल्टा उल्टा खड़ा हुआ है, बहुत जगह है, आराम से खड़ा हो गया यार वो तो। मुझे बहुत पसंद आई गाड़ी, मेरा लाल, मेरे बच्चे, बहुत प्यारी गाड़ी है, आया मजा, तो बड़ा मजा आ रहा है सच्ची। कितना स्पेस है यार इसमें, सामने देखो तो कितना स्पेस है, बस लाइट नहीं है। अब आई लाइट। ये बट्टी पता कैसी लगी गाड़ी तुझे? एक नंबर यार। हाँ मस्त। पीला वाला था। तो तुम्हें कैसी लगी एसआरकेएन गाड़ी? अच्छी लगी। हाँ अब हनुमान जी के पास आ गए हम लोग। हाँ तो भैया व्लॉग करते हैं खत्म। मम्मी को सरप्राइज दे दिया है, रोते हुए देख ही लिया है सबने मम्मी को, इसको भी बड़ा मजा आ गया, इसने और मम्मी के लिए सरप्राइज था। बाकी सब बच्चे ऐसे तरक्की कर रहे हैं, इसलिए बस अब आ गए हैं मंदिर, दर्शन करेंगे और घर। चलो टाटा बाय बाय। बाय बाय। तो ये थी हमारी फोर्ड एंडेवर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद फोर व्हील ड्राइव। जिसे भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी सेफ, बी हेल्दी।